लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन के खिलाफ कई अहम आवाजें भी मुखर हो रही हैं। इन्फोसिस के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति ने कहा है कि लॉकडाउन बढ़ने पर कोरोना से ज़्यादा लोग तो भूख से मर जाएंगे। कारोबार और रोजगार के लिहाज से भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट। इंफोसिस के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति ने देश में लॉकडाउन बढ़ाने की नीति पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि हमें समझना होगा कि भारत लंबे वक्त तक लॉकडाउन की स्थिति को झेलने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो भारत में कोरोना वायरस से कहीं ज्यादा मौतें भूख से होने लगेंगी। उन्होंने कहा कि विकसित देशों की तुलना में भारत में कुल कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या काफी कम है। साथ ही वायरस से मरने वालों की दर महज 2.25 से 0.50% है। भारत में वायरस के फैलने की रफ्तार भी काफी कम रही है। The very important issue that is very pleasantly surprising, the deaths due to corona in India is about 0.25% or 0.5% of the deaths due to corona in the developed nations when you compare our population. नारायण मूर्ति ने कहा है कि अब लोगों को काम पर लौटना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि कोरोना वायरस एक नए तरह का सामान्य सा वायरस है। उन्होंने कहा कि सरकार को इमोशनल होकर फैसले लेने से बचना चाहिए। जब भारत में साल भर में 90 लाख लोगों की मौत हो जाती है तो पिछले 2 महीने में कोरोना वायरस से होने वाली 1000 मौतें कम लगने लगती हैं। मूर्ति ने कहा कि भारत में करीब 190 मिलियन लोग अस्थायी सेक्टर और स्वरोजगार से जुड़े हैं। ऐसे में लॉकडाउन बढ़ने की वजह से ये सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। लॉकडाउन से कारोबारियों का रेवेन्यू 15-20% घट सकता है, जबकि इससे सरकार को मिलने वाले टैक्स और GST कलेक्शन में भारी कमी आएगी। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने इस साल भारत की विकास दर को घटाकर 1.9% कर दिया है, जो कि पहले 4.5% अनुमानित थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में करीब 160 करोड़ लोगों की नौकरी जाने की बात कही है। इसमें सबसे ज्यादा लोग भारत में होंगे। लॉकडाउन की वजह से होटल, पर्यटन, एविएशन समेत असंगठित और संगठित क्षेत्र की तमाम इंडस्ट्रीज को भारी नुकसान हो रहा है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक अनुमान के मुताबिक अगर अगले कुछ और महीनों तक लॉकडाउन लागू रहता है तो 10 में से 4 रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। लॉकडाउन के पहले रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का टर्नओवर 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का था और इसमें 70 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ था, लेकिन मौजूदा लॉकडाउन से रेस्टोरेंट बिजनेस में करीब 70% की गिरावट आने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समेत।